हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रामकेश चौधरी। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है हम बीएससी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सेमेस्टर वाइज का पेपर है जूलॉजी का, उसमें हम आप लोगों को थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जो थर्ड यूनिट था हमारा वो था न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने जो है काफी अच्छे से उसका हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो आज का जो पोर्शन है हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अर्थात इससे पहले वाले जो हमने लेक्चर आप लोगों को जो प्रोवाइड किए थे उसमें हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम जो है इसमें स्टडी करेंगे आरएनए के बारे में। तो आरएनए जो है इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी को ही बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में आरएनए। अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज जो है देखेंगे। तो ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है आपको एक क्लियरिटी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो आरएनए स्ट्रक्चर है वो सिंगल हेलिक्स का होता है। किस तरह का होता है? सिंगल हेलिक्स का होता है। इससे पहले अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? डबल हेलिक्स। और इसमें कैसा है? सिंगल हेलिक्स। तो अगर हम इसमें बात करें कि जो आरएनए है इसमें भी क्या होता है? एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो हम लोगों को एक चीज डिफरेंट इसमें नजर आ रहा है कि जो एडनीन, ग्वानिन और साइटोसिन ये भी था किसमें? डीएनए में। कहने का मतलब ये है कि जो एडनीन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है ये भी प्रेजेंट था डीएनए में। लेकिन जो है ये यूरेसिल, यूरेसिल वनली वन किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए में। किसमें प्रेजेंट होता है? आरएनए में। तो बात ये हुआ कि जो यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है तो डीएनए में इसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है? तो हम लोग बताएंगे कि जो डीएनए में इसके जगह जो प्रेजेंट होता था वो था थायमिन। क्या था? थायमिन। और जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल। इसको जो हम इरेज कर देते हैं हम। उसके बाद जो है आगे का पोर्शन देखते हैं कि जो आरएनए है वो क्या है। तो हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें भी होता है एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और यूरेसिल जो होता है ये वनली वन किसमें प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। जबकि डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थायमिन। इसका एक एक करके स्ट्रक्चर भी है जो आप लोग जो है इसको
हम लोग देखेंगे इसमें जो एडेनिन का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है, इसका हम एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स, जबकि डीएनए कैसा था, डीएनए जो हमारा था वो डबल हेलिक्स था, ठीक है, और आरएनए का कैसा है, सिंगल हेलिक्स है। उसके बाद देखेंगे द स्ट्रैंड हैज ए 5' एंड विथ ए फास्फेट ग्रुप। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसका स्ट्रैंड है, यानी कि इस प्रकार के जब हम लोग डायग्राम देखे थे तो ये जो इसमें दो स्ट्रक्चर था, एक था 3' और एक था 5', तो इसी में इसका 5' हम लोग देख रहे हैं कि वो फास्फेट ग्रुप का है, अर्थात जो है उसका जो बॉन्ड है वो किससे जुड़े होते हैं, फास्फेट ग्रुप से जुड़े होते हैं। एंड ए 3', मतलब जो 3' है विद ए हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब जिसमें OH प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कहने का मतलब ये हुआ इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पेंटोज भी होता है और सुगर भी होता है। तो पेंटोज मान लीजिए ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इसमें जो है OH इस प्रकार के कुछ डायग्राम हमको नजर आता है, जो क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। हम अगर जो है इसका हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि द राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय 3', 5' फास्फोस्टर बॉन्ड। ये फास्फोस्टर बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द नाइट्रोजिनस बेस द कंपोज द न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड एडनीन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वाइनिन। अगर हम इसमें जो है पीछे वाले फिगर में हम लोग जाएंगे तो ये कितने बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एडनीन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। जो एडनीन और सॉरी ये जो ग्वाइनिन और साइटोसिन है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यही हम नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर आरएनए फ्रॉम द डीएनए इंक्लूड्स। जबकि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है किसके तुलना में, डीएनए के तुलना में। बेस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बेसिस इन द आरएनए आर एडेनिन। कहने का मतलब जो वो हुआ कि जो उसका बेस है आरएनए का वो क्या है, एडनीन है। जैसे कि सबसे पहले यहां पर दिया है एडनीन, ग्वाइनिन, यूरेसिल और एडिसाइटोसिन। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम इसका टाइप्स देखें, क्या देखें बेटा, टाइप्स, तो टाइप्स में हम क्या देखेंगे कि ये इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक देयर आर मेन 3 टाइप्स। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को मिलाकर ये जो है 3 प्रकार में, यानी 3 भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहला क्या है, पहला हमारा है आरआरएनए, कहने का मतलब स्मॉल आर कैपिटल आरएनए, इसको बोलते हैं राइबोसोमल टीआरएनए, अर्थात जो है ट्रांसफर, और एक होता है मैसेंजर आरएनए अर्थात एमआरएनए। तो अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो एक एक करके हम लोग इसको अच्छे से डिस्कशन करते हैं। अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, अकाउंट्स फॉर अबाउट 5% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में,
इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उसका जितना मतलब एक सेल में टोटल यानी जो टोटल आरएनए है, टोटल आरएनए इन द सेल वो कितना है 5% ही इसमें एक सेल में पाया जाता है, क्या मैसेंजर आरएनए। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोस्ट हेट्रोजीनस ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए इन द टर्म ऑफ बोथ बेसस सीक्वेंस एंड इन साइज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये गौर करिए हेट्रोजीनस बेस, हेट्रोजीनस बेस कहने का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी लिविंग सेल है उसमें जो है जो इसमें जो डीएनए और आरएनए अर्थात हम लोग आरएनए पढ़ रहे हैं तो आरएनए का जो प्रोसेस होता है वो अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए मोस्ट हेट्रोजीनस इन द थ्री टाइप ऑफ आरएनए टर्म्स बोथ सीक्वेंस एंड द साइज, जो उसका साइज होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इट कैरीज द जेनेटिक कोड कॉपीड फ्रॉम द डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड कोडॉन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड मतलब डीएनए आरएनए जो ट्रांसफर करते हैं कि किसमें एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं आपस में जो है ट्रांसफर करते हैं, वही जेनेटिक कोड की बात कर रहा है। ट्रिपल्स न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर इसका हम लोग फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या देखेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्ट्स द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी रेड एंड द यूज टू मेक प्रोटीन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक कोड होते हैं कौन मैसेंजर आरएनए, तो उसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो रीड किया जाता है या बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये बात करें कि जो तीनों मतलब इसमें जो तीन प्रकार के आरएनए होता है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात इसी प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, मैसेंजर आरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैसेंजर आरएनए है वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का उसमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो इनका नेक्स्ट जनरेशन है वो किस प्रकार होगा, अर्थात जो है इसके पूर्वज मतलब कहने का मतलब इनहेरिटेंस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, अर्थात जो डीएनए का कुछ लक्षण जो है उसमें पाया जाएगा और वही जो लक्षण जो है उसके माता पिता से उसके बच्चों में क्या होता है प्राप्त होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें राइबोसोमल आरएनए, अब हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम की बात करें हम, तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, अर्थात प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, कौन राइबोसोम। अब हम एक एक पॉइंट करके इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। फाउंड इन द राइबोसोम एंड अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द टोटल आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो राइबोसोम है वो कितना 80% यानी एक सेल में जो आरएनए होता है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 80% यानी 80% पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल, एक मिनट यहां पर हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि राइबोसोम जो है दो कंपोनेंट्स में बांटा गया है, द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट व्हिच रीड द आरएनए एंड द लार्ज सब यूनिट व्हिच जॉइंस अमीनो एसिड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जो सब यूनिट है एक होता है आरएनए लार्ज सब यूनिट होता है और एक जॉइंट होता है किसमें अमीनो एसिड से फ्रॉम
पॉलीपेप्टाइड चैन। पॉलीपेप्टाइड चैन का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड चैन जो होता है उसमें अमीनो एसिड के एक चैन होता है, अर्थात कहने का मतलब अगर एक माला इस तरह से है तो इसमें जो ऐसे अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं, और यही अमीनो एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं, यही अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। हम नेक्स्ट की बात करें, ईच सब यूनिट कंप्राइजेज वन और मोर राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड ए वैरायटी ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन। कहने का मतलब यही है कि जो प्रत्येक राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आगे चलकर राइबोसोमल ये प्रोटीन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसका फंक्शन की बात करें, यहाँ पर आर रहेगा तो राइबोसोमल आरएनए डायरेक्ट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोमल इनटू प्रोटीन। कहने का मतलब ये हुआ कि राइबोसोमल जो मतलब राइबोसोम आरएनए होता है डायरेक्ट्स क्या करते हैं, ये जो है ट्रांसलेशन करते हैं राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन पे। और वहीं हम लास्ट अगर हम बात करें आखिरी मतलब तो ये है ट्रांसफर आरएनए, अर्थात क्या होता है, ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना, पहुंचाना। ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ट्रांसफर आरएनए, अर्थात इसको बोला जाता है टीआरएनए। अब ये हम लोग एक एक करके इसको हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है इज ए स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए हैविंग अबाउट। कहने का मतलब ये ट्रांसफर आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में कितने होते हैं 75-95% पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ट्रांसफर आरएनए आर इसेंशियल कंपोनेंट। ये कैसा कंपोनेंट है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है, ट्रांसलेशन है, व्हेयर देयर मेन फंक्शन इज द ट्रांसफर अमीनो एसिड। कहने का मतलब ये हुआ, हमने क्या कहा कि जो ट्रांसफर आरएनए किसी चीज को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर किसका करता है, अमीनो एसिड को, अर्थात एक सेल से, यानी कहने का मतलब एक आरएनए से ये क्या करता है, अमीनो एसिड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। किसके दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, जब क्या होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। इसी प्रक्रिया को अर्थात इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, ट्रांसफर आरएनए। ईच ऑफ 20 अमीनो एसिड हैज ए स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए दैट बाइंड्स इट इज ट्रांसफर इट टू द ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चैन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक, यानी कहने का मतलब 20 अमीनो एसिड अर्थात 20 अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक जो है ट्रांसफर आरएनए बाइंड्स करते हैं किसके, ग्रोविंग, मतलब ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ा देना पॉलीपेप्टाइड चैन को, वो पॉलीपेप्टाइड चैन को बढ़ा देते हैं। ट्रांसफर आरएनए आल्सो एक्ट्स एज एडॉप्टर्स इन द ट्रांसलेशन द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। कहने का मतलब ये हुआ कि मैसेंजर आरएनए को क्या होता है, वो ट्रांसफर कर देते हैं, वही क्या है, जेनेटिक सीक्वेंस है, और वही जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। देयर दे आर आल्सो कॉल्ड एडॉप्टर मॉलिक्यूल, और इसी को क्या बोला जाता है, एडॉप्टर मॉलिक्यूल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए का कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। जो ट्रांसफर आरएनए होता है यहां से स्टार्ट होता है, अर्थात एडेनिन से स्टार्ट होता है, और इसके जो बीच वाला पोर्शन है उसमें जो है कई प्रकार के ये जुड़े होते हैं, किससे, यहां पर देखिए साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल, अर्थात कह सकते हो ये किसका पोर्शन है, आरएनए का पोर्शन है, अर्थात ये ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इसके सारे पोर्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और यही क्या करता है, एक दूसरे जो अमीनो एसिड है वो क्या करता है, आपस में ये ट्रांसफर करता है, अर्थात जो है क्या बनाता है, किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन
करता है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए हैव ए कवर लीफ स्ट्रक्चर, कहने का मतलब ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, व्हिच इज स्टेबलाइज बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका जो प्रत्येक बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। किससे? न्यूक्लियोटाइड से। अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल फोल्ड बेसेस दे आर नॉर्मली कंटेन सम अनयूजुअल बेस, मोस्टली फॉर्म द मेथाइलेशन ऑफ द यूजुअल बेसिस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मेथिल ग्वाइनिन एंड मेथिल साइटोसिन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देयर स्ट्रक्चर लूप आर फॉर्म्ड वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इसका कहने का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है प्रत्येक जो लूप होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। द थ्री प्राइम एंड सर्व्स एज द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो मतलब आरएनए का स्ट्रक्चर में जो थ्री प्राइम एंड है वो अमीनो एसिड से अटैचमेंट होते हैं। द सेंटर लूप इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंटीकोडॉन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द एंटीकोडॉन इज ए थ्री बेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए कोडान। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंटीकोडान है वो थ्री बेस न्यूक्लियोटाइड्स है। ये वाला हम लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये वाला एक दो थ्री, यानी थ्री बेस न्यूक्लियोकोडान है। दीज इंट्रैक्शन बिटवीन कोडान एंड एंटीकोडान स्पेसिफिक नेक्स्ट अमीनो एसिड टू बी एडेड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रत्येक एंटीकोडान है वो अमीनो एसिड का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या हो सके बेटा, जिससे जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके, अर्थात प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पर जो है यही जो है सारे जो एंटीकोडान जो है, एक एंटीकोडान ये वाला, तीन एंटीकोडान आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यही क्या करते हैं, आपस में अमीनो एसिड का जो है मतलब जो है ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे में, और क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, और इसके बाद जो है हम लोग डीएनए का सुपर कॉइलिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।